सो हेलो गाइस, कैसे आई हो आप लोग? क्या आप लोग अच्छे होंगे? सो गाइस, अब इंस्टाग्राम रील पर कुछ इस टाइप की वीडियो, सारेंद्र भाई की वीडियो, शंभू शंभू वाले गाने भी, जो कि इंस्टाग्राम रील पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो कुछ इस टाइप का भी वीडियो बनाना चाहते हैं सरेंद्र भाई की तरह, तो आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसी वीडियो बनाने के लिए ना ही आपको कोई ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको उस स्टेप को आपको फॉलो करके आप भी कुछ इस तरह कैसे वीडियो बना लेंगे, और मैं सारे मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइज, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ गया तो आपको सारेंद्र भाई की तरह शंभू वाला सॉन्ग पे आपको वीडियो बनाने के लिए यहाँ से आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला एप्लीकेशन, यहाँ से आपको सुपर वीपीएन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको प्ले स्टोर में फ्री मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सुपर वीपीएन लगा लीजिएगा। जैसे लगा लेंगे तो यहाँ से ऊपर आपको सुपर वीपीएन दिख जाएगा, और अपने मोबाइल के इंटरनेट ऑन करके ये एप्लीकेशन यूज कीजिएगा। इसके बाद करने के बाद एक एप्लीकेशन जिसमें हम अपनी वीडियो एडिट करेंगे, जिसका नाम है कैपकट। सो गाइस, कैपकट एप्लीकेशन आपको भी इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए ये मेरी स्टडी मेरे को यहाँ से फॉलो करके मैसेज करते हैं, तो इसका मैं विदाउट टाटा मार्क वाला कैपकट एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, तो देख लेंगे। पहले आपको वीपीएन लगाने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करना होगा। तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड में एक फोटो लेनी होगी, जिसके सारेंद्र भाई ने लगाया था ये वाली फोटो। तो इस फोटो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, तो ये फोटो आपकी टाइमलाइन में ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद लास्ट में इस एप्लीकेशन को वाटरमार्क दिखेगा कैपकट का, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका वाटरमार्क भी आप डिलीट कर लेंगे। इसके बाद जो आपको ये बैकग्राउंड जो है इसको आपको यहाँ से कुछ बड़ा कर लेना होगा, और अपनी वीडियो की साइज में इसको आप एडजस्ट कर लेंगे इतना जितना आप रखना चाहते हैं। करने के बाद यहाँ से आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आना होगा, और आने के बाद गाइस क्या करना होगा, अपनी जो वीडियो शूट की है आप अपनी वीडियो शूट की ले लेंगे। तो वीडियो लेने के लिए यहाँ से आपको ओवरले का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको ओवरले वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से आपको अपने वीडियो वाले ऑप्शन में जाना होगा। तो रिसेंटली आपकी जितनी वीडियो शो हो जाएंगे, अगर आपके यहाँ पे फोल्डर में है तो यहाँ से एल्बम में जाने के बाद अपने फोल्डर में से अपने वो वीडियो निकाल सकते हैं। तो मेरे ऑलरेडी ये वीडियो मैं शूट किया हूँ, मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस वीडियो को टाइम लाइन में ऐड करने के लिए यहाँ से आपको ऐड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। तो देख लेंगे वीडियो हम लोग की आ गई। तो गाइज, इस वीडियो को सबसे पहले आपको यहाँ से फुल फ्रेम में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपको दोनों हाथों से कुछ इस तरह ऐसे करके इस वीडियो को आपको अच्छे से इसको बड़ा कर लेना होगा यहाँ से ऐसे। तो देख लेंगे, मैं कुछ इतना ऐसे कर लेता हूँ। करने बाद गाइज, हम लोग की वीडियो कुछ इस तरह का है, तो हम लोग की वीडियो स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको स्प्लिट कर देना होगा, और इस वाले पार्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर से जाने के बाद यहाँ से डिलीट कर लेंगे, और आपको इस वाले पार्ट को पकड़ के आपको आगे ला देना होगा कुछ इस तरह कैसे। तो देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे ऐसे हम लोग का दिख रहा है। सो गाइज, आप सिंपल तरह से आप जब भी ऐसी वीडियो शूट कीजिएगा और आपको बैकग्राउंड इसका रिमूव करना होगा, तो आप सिंपल बैकग्राउंड लगाइएगा, चाहे तो आपको ब्लैक रहे तो ब्लैक रहेगा, व्हाइट रहे तो व्हाइट रहे, और जो आपका कपड़े का जो कलर रहेगा केवल एक कलर रहना चाहिए, जैसे मेरा एक कलर है। तो इस बैकग्राउंड को मैं रिमूव बहुत ही सिंपल तरीके से कर लूँगा। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, पहले अपने वीडियो को इस वाले अपनी वीडियो को सेलेक्ट करने वाला होगा, और सेलेक्ट करने के बाद गाइज अपने मोबाइल के इंटरनेट ऑन कीजिएगा, तभी ये वर्क करेगा। तो मोबाइल के इंटरनेट मेरा ऑन है। इसके बाद यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। तो आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे आपका 100% कुछ इससे रिमूव बैकग्राउंड ऐसे एक दो तीन ऐसे होगा, 100% होगा तब आपका रिमूव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बार किया था इसलिए मेरा एक क्लिक में ऐसे हो गया। तो आप भी अगर दो बार तीन बार ऐसे करने बात करते हैं तो एक क्लिक में आपको हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम लोग को प्रॉपर तरह से बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो गया, और हम लोग की वीडियो यहाँ पे दिखने लगी जैसे आप लोग देख लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो गाइस, इतना देखने के बाद यहाँ पे जैसे मैं हाथ लगाया हूँ यहाँ पे ओम नमः शिवाय वाला जो शंभू वाला जो गाना लगाया उस पर हमें इसका ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए गाइस आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ से ऐड ओवरले का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और आपको वीडियो वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको जो नो सेकेंड का जो दिख रहा है आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देते हैं। तो ये देख लें कुछ इस तरह से ऐड हो गया। ऐड होने के बाद गाइस सबसे पहले क्या करना होगा, इसको अपने हिसाब से इसको छोटा कर लेना होगा। तो देख लेंगे यहाँ से मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी देख लेंगे हम लोग का ये जो बैकग्राउंड है अच्छे से हम लोग का यहाँ से रिमूव नहीं है, तो हम लोग इसको अच्छे से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका ब्लेंडिंग मोड अच्छे से करना होगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे स्पाइस का जो ऑप्शन दिख रहा है बैलून की बगल में, आपको स्पाइस वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से देख लेंगे आपका इंटरनेट ऑन रहना चाहिए तभी ये वर्क करेगा अच्छे से। तो यहाँ से आप नॉर्मल फिल्टर वाले ऑप्शन पर देखते हैं तो कुछ इस तरह का ऐसा हो जाता है, और अच्छे से आपका वर्क भी नहीं करता है। तो यहाँ से अगर आप अपने हिसाब से इसको वर्क कराना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कर लीजिएगा।
साथ ही गाइस यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ से अगर लाइट वाला करना चाहते हैं तो आप लाइट वाला भी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का इस तरह से अच्छा ऐसे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो देख लेंगे प्रॉपर तरह से ऐसे दिख गया। आप इसको चाहेंगे अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर लेंगे। तो चलिए आप यहाँ से जिसका चाह रहे हैं इसका ड्यूरेशन अपने हिसाब से, यहाँ से लाइट कम बेसी करना तो यहाँ से कर लेंगे। तो मैं इसको 100% रहने देता हूँ, इसके बाद मैं सही वाले टिक पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस अब देख लें हम लोग की वीडियो कुछ इस तरह का ऐसे बन के तैयार हो गई है ओम नमः शिवाय। और इसमें ऑलरेडी आपको म्यूजिक लगी हुई है, आपको म्यूजिक कुछ नहीं लगाना है, केवल आपकी वीडियो कुछ इस तरह कैसे बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइज अभी देख रहे होंगे आपकी वीडियो इतनी ही हो रही है, और अगर आपकी वीडियो बड़ी है तो आप इसको क्या करते हैं, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कॉपी ऐसे करते हैं तो ये कुछ आगे जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद गाइज आपकी जो वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप बहुत ही सिंपल तरीका से स्प्लिट करके, आप यहाँ से इसको भी स्प्लिट करके आप इसको बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ से आप डिलीट कर लेंगे। चलिए यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, और इस पर भी क्लिक करके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देख लें कुछ इस तरह से डिलीट हो गया। इसके बाद गाइज बड़ी अब आती है हम लोग के यहाँ पे फेस को यहाँ से कलर ग्रेड करना चाहते हैं अच्छे से, तो अपनी इस वाली वीडियो पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद गाइस जैसे आप इस साइड आते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है फिल्टर का, आपको फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना होगा। और जाने के बाद यहाँ से आप फिल्टर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या तो आप एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ से इसका ब्राइटनेस अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा इसको ब्राइटनेस ऐसे बढ़ा लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करना हो हल्का अपने हिसाब से इसको कम कर लेंगे, और सेचुरेशन को हल्का आप यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे इतना ऐसे। तो देख लेंगे प्रॉपर तरह ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ह्यू का, आप अपने हिसाब से टीन को अगर आप करना चाहें टेम्प को तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। प्रॉपर तरह से कुछ इस तरह से अपना कलर ग्रेडिंग करने के बाद गाइज आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन के फाइनली तैयार हो गई गाइज। तो गाइज इस तरह करने के बाद आपकी वीडियो बनने के तैयार हो गई, और इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो ऊपर आपको जो यहाँ पे तीर का ऑप्शन दिख रहा है आपको तीर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा यहाँ से, और जैसे ये 100% होता है तो ये वीडियो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। सो गाइज आई होप कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सरेंद्र भाई की तरह वीडियो बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने इस वाली वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और सिंपल से सिंपल और इजी से इजी तरीका बताया। सो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा इस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर दें। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।